वाट इज़ अ डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड एक डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड साइज और सेक्टर की परवाह किए बिना कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ये इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं मतलब इन्वेस्टर के पैसों को स्टॉक मार्केट में किसी एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है ये ऑफर यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान म्यूचुअल फंड और अदर्स इन्वेस्टमेंट फॉर्म द्वारा दिया जाता है ये सब फॉर्म जो है ऑफर देते हैं कि आप हमारी स्कीम में स्टॉक मार्केट में डाइवर्सीफाई की मदद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको रिस्क भी कम होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा एग्ज़ाम्पल ऑफ विल आइवर्सिफिकेशन प्रोटफेल्यू ओवर डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका है इन्वेस्टर को अपने प्रोटफेल्यू को मैनेजमेंट लेवल पर रखना चाहिए इस ट्रैग्राम की मदद से हम समझेंगे कि इन्वेस्टर के पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है डाइवर्सिफिकेशन की मदद से इन्वेस्टर के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है गोल्ड रियल इस्टेट कैश क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया जा रहा है कुछ परसेंट जो है ये देखिए स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं कुछ परसेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और कुछ परसेंट गोल्ड में किए जा रहे हैं कुछ परसेंट रियल इस्टेट में कुछ परसेंट कैश में कुछ परसेंट क्रिप्टो में इस तरह से इन्वेस्टर के पैसों को डाइवर्सीफाई किया जा रहा है और थोड़े थोड़े पैसे हर स्टॉक में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं हर बॉन्ड में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इस तरह से इन्वेस्टर के पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है डाइवर्सिफिकेशन की मदद से थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो